आज हम जहाँ पर सारे साथ संगत भक्ति भाव से विभोर होके गीतों का विचारों का आनंद ले रहे हैं, और मजे की बात यह है साथ संगत, ये जो हजारों हजारों की संख्या में महात्मा आनंद ले रहे हैं, ये क्षणिक आनंद नहीं है, ये टेम्परेरी आनंद नहीं है। ये आनंद सत्संग ऐसा नहीं जो आएगा या जाएगा, जो कोई चीज़ मिलने से सत्संग बढ़ेगा और कोई चीज़ चले जाने से सत्संग कम होगा। ये सत्संग ऐसा आनंद है जो हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरी तरफ सत्संग संसार में आज कोई चीज़ मिल गई सत्संग तो इंसान खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है, और कोई चीज़ सत्संग चले गई तो सत्संग दुख का अनुभव करना शुरू कर देता है। जिसके पास छोटी गाड़ी है वो कोशिश करता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी आ जाए, चाहना करता है कि सत्संग बड़ी गाड़ी आ जाए। 2 BHK वाला सोचता है कि उसके पास 4 BHK आ जाए, आलीशान घर आ जाए। जिसके पास नौकरी नहीं है वो सोचता है कि नौकरी मिल जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। पर सत्संगत क्या ये आना सत्संग सुख का क्राइटेरिया है? और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो क्या वो सही मायने में दुखी होने का क्राइटेरिया है? सत्संग दास आर्मी में है, दास को ध्यान आया सत्संग, जब दास इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पर सैकड़ों सत्संग कैंडिडेट आए हुए थे, और सत्संगत जो डायरेक्टिंग स्टाफ था वहाँ पर, वो ताकि लोग दुखी ना हों, जो बच्चे आए हुए हैं दुखी ना हों, तो हौसला बढ़ाने के लिए सत्संग उन्होंने एक बात बताई कि माननीय सत्संग लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, वो भी सत्संगत पायलट बनने के लिए सत्संग आए थे पर पायलट नहीं बन पाए। और सत्संग हम सब जानते हैं कि 2002 से लेके 2007 तक वो सत्संगत इस देश के राष्ट्रपति बने, इस देश के सत्संग सुप्रीम कमांडर रहे फोर्स की। तो ये चीज़ सत्संग बताती है कि कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो दुखी का होने का क्राइटेरिया नहीं है सत्संगत। अब बात आती है सुख होना कैसे है, सुखी होने का क्राइटेरिया क्या है? तो सत्संग पंचम पातशाह श्री अर्जुन देव जी सत्संग बताते हैं कि जे तो सुख को चाहें शरण राम की लें। सत्संगत प्रभु राम तो त्रेता युग में आए थे पर दास तो आज है सत्संगत। तो क्या कोई ऐसी टाइम मशीन बनी है जिससे दास त्रेता युग में जा सके और सुख का अनुभव कर सकते? नहीं सत्संग, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर सत्संग संत कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। सत्संग खुदा की बात जा कही जा रही है कि सत्संगत सुई रखने की भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे खुदा है, खुदा नहीं हो सत्संगत। लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सत्संग जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जो प्रोसीजर करना चाहिए, वो आज सत्संग दुनिया में कोई करना नहीं चाहता, वो कर नहीं रहा सत्संगत, और बातों के लफ्जों के माया जाल में फंसता जा रहा है। सत्संगत एक इंसान है जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो मार्केट में जाए और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब लेके आ जाए और उसको पढ़ना शुरू करे सत्संगत। उसमें लिखा हुआ है ए हिंदी में मतलब आ, बी का मतलब बा, सी का मतलब का, और यू का मतलब ऊ होता है सत्संगत। उसने सारे अल्फाज पढ़ लिए और उसको हिंदी में समझ भी लिए सत्संगत, लेकिन अब उसके सामने लफ्ज आ गया PUT, वो क्या बोलेगा सत्संग? पुट, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन अगला लफ्ज आ गया CUT, अब वो सत्संग कुट ही पड़ेगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, वो सिर्फ किताबों पे डिपेंडेंट हो गया सत्संगत। पर उसको जरूरत किसकी थी? एक टीचर की जरूरत थी जो उसकी इस प्रोनाउंसिएशन को सत्संग ठीक कर देता कि CUT कुट नहीं होता है, CUT कट होता है सत्संगत। तो जरूरत किसकी है सत्संगत? ट्रू मास्टर की जरूरत है। वेद किताब कहो नहीं झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। महात्मा कहते हैं सत्संग खुदा की खबर किसी बाखबर से जानो कि हे इंसान, अगर तो सुख को प्राप्त होना चाहता है कि जीवन में सुख रहे जो हमेशा कायम दायम रहे, तो तेरे को सतगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। एक इंसान सत्संगत समझ लो, उसने एक अलीशान घर बना दिया, बहुत बढ़िया घर बनाया है सत्संगत, बढ़िया बढ़िया अंदर लाइटें लगाई हुई हैं, ट्यूबलाइट बल्ब लगाए हैं,
और सत्संगत घर के अंदर वायरिंग भी कंप्लीट हो रखी है, लेकिन उसने जो प्रक्रिया करनी थी, उसने जो पावर डिपार्टमेंट है उसमें सत्संगत एप्लीकेशन देनी थी, ताकि वो पावर डिपार्टमेंट उस प्रक्रिया को पूरी करते हुए उसके घर की तार को पावर ग्रिड की तार से कनेक्ट कर देते, और जैसे ही वो कनेक्ट होती उसके घर में उज्ज्वलता आ जाती, उसके घर में रोशनी आ जाती। पर कमी कहाँ रहेगी? वो प्रक्रिया पूरी ना करने की। आज सात संगत संसार में भी प्रक्रिया की कमी है, प्रक्रिया कोई करना नहीं चाह रहा या कर नहीं रहा, और सोच रहा है सात संगत कि मेरा जीवन उज्ज्वल हो जाए, मेरे जीवन में खुशियां हो जाएं। सात संगत, खुशी होने के लिए, सुखी होने के लिए हमें इस रमे हुए परमात्मा से मिलना पड़ेगा, जिसके लिए लिखा है सात संगत कि ये मेरे हर जगह मेरे आस पास है, पर मेरे को प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। आओ सत्संग रहमत करो, बख्शिश करो। सत्संग जैसे जैसे प्रक्रिया को पूरी करेंगे, जब जब प्रक्रिया को पूरी करेंगे, तब सत्संग हम सही मायने में आनंद के भागीदार होंगे। और सतगुरु के आगे अरदास है कि सच्चे बादशाह रहमत करो, दिया है तूने नफीज तोहफा, कदर करें हम सब सत्संग कदर कर सकें आपकी, आपके जो वचन आए उसको जीवन में अपनाते हुए उसी हिसाब से जीवन को अपना चलाते रहें, यही अरदास बनती है। प्यार से कहना दानिंग का सत्संग।